हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टेंथ वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्लास। सो बिफोर स्टार्टिंग हाउ टू स्टार्ट ब्रह्मनाथ ओ ओ शांति 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 सुस्थ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दैट इज ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर ऑल्सो दैट इज ए बी सी आर अ कॉन्स्टेंट। ओके, तो लास्ट क्लास वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्पेशियल एंगल दैट इज द साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री साइन 36 डिग्री कॉस 36 डिग्री ऑल आर दैट एंड यू नो साइन 18 डिग्री इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाई 4 कॉस 18 डिग्री इक्वल टू रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4 एंड कॉस 36 डिग्री इक्वल टू रूट ओवर 5 प्लस 1 बाई 4 एंड साइन 36 इक्वल टू रूट ओवर 10 प्लस 2 रूट 5 बाई 4। ओके, एंड 72 इन टर्म ऑफ टू कन्वर्ट 90 माइनस 18 डिग्री एंड 54 इक्वल टू 90 माइनस 36 108 इक्वल टू 90 प्लस 18। ओके, एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑल्सो वी डिस्कस दैट इज साइन सी प्लस साइन डी। यू नो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी दिस इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एंड cos c minus cos d equal to minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 or sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2. Okay, so all are we discussed in the last class. So these are very important formula and this formula is applicable in the differential calculus, integral calculus and physics also. Okay, so all are remember all this the compound angle formula and multiple angle formula. Okay, so today we will discuss what are the how to find the maximum and minimum value of a sin x plus b cos x. So you know the maximum value of sin x equal to plus 1 and minimum value is minus 1. All the value of sin x lies in between close interval that is a minus 1 to plus 1. Like that the maximum value of cos x is 1 and minimum value of cos x is minus 1. All the value of cos x lies in between minus 1 to plus 1. So here to find the maximum and minimum value of a sin x plus b cos x. In such case first we convert a sin x plus b cos x into single term either sin or cos. तुमको मुझ लास्ट क्लास रे भी बा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आम जो रेंज वैल्यू आम डिस्कसन करते भी कहुत जे साइन प्लस कॉस थी साइन माइनस कॉस थी तुम्हें से सिंगल टर्म ट्रांसफर करा पड़ो हेल्ले कौन करा पड़े ये ना ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को आम एर साइन कि कॉस कन्वर्ट करा पड़ो साइन रे कन्वर्ट कल हम कि कॉस रे कन्वर्ट कल हम तो सो व्हाट वी डू हाउ टू कन्वर्ट ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इन टर्म ऑफ साइन। ओके, सो फर्स्ट वी टेक पुट ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा कहेंगे यू नो द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जदि तुमको साइन रे कन्वर्ट करा पड़ो साइन ए प्लस बी फॉर्मूला रे गोटे साइन अच्छी गोटे कॉस अच्छी एट कौन अच्छी ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अच्छी यहाँ साइन अच्छी मैंने यहाँ को कॉस ना पड़ो ये कॉस अच्छी मैंने यहाँ को साइन ना पड़ो बा अल्टरनेट नले भी हम सीटा कॉस रे भी ट्रांसफर हो पार
देखो सो हियर पुट ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा कहीं ये साइन एक्स अच्छे आउ गोटे वेरिएबल एक्स्ट्रा नब ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा ओके सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सो दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा टेक इट कॉमन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन दैट इज आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए सो आर आर कैंसल दैट इम्प्लाइज टेन थीटा तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए यू नो थीटा इज एन एंगल एंड दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए दैट मीन्स इनवर्स इज एन एंगल इनवर्स इज एन एंगल दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए सो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट the value of a and b here a is equal to r cos theta that means r cos theta into sin x how b means r sin theta into cos x okay so take it common r that implies cos theta into sin x that's why we write sin x into cos theta plus cos x into sin theta तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी व्हिच इज ऑफ द फॉर्म व्हिच इज ऑफ द फॉर्म आर इनटू साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा ओके सो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू आर इनटू साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा मु तो मु कहिथिल ना जे ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स थियो माने तमे ताको सिंगल टर्म रे ट्रांसफर करिया पडियो से सिंगल टर्म रे ट्रांसफर करिया पई यू हैव टू सब्स्टिट्यूट ए इज इक्वल आर कॉस थीटा बी इज इक्वल आर साइन थीटा हेले कौन है ना आर इंटू सैन एक्स प्लस थीटा सो यार मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर इंटू सैन ऑफ एक्स प्लस थीटा एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए सैन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज ऑल्सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर इंटू सैन ऑफ एक्स प्लस थीटा कौन डू यू अंडरस्टैंड देख पे यार मैक्सिमम वैल्यू कहवा जहा यार मैक्सिमम वैल्यू कहवा ता यार मिनिमम वैल्यू कहवा ता यार मिनिमम वैल्यू कहवा ता You know the maximum value of sine of x plus theta is 1 and 1 into r so its maximum value r into 1 that is r what is r root over a square plus b square and minimum value of sine of x plus theta is minus 1 so minus 1 into r that is minus r what is r r equal root over a square plus b square so minimum value is minus root over a square plus b square and the maximum value is root over a square plus b square okay do you understand So the maximum value of a sin x plus b cos x, you can determine directly that is root over a square plus b square, and its minimum value is minus root over a square plus b square. But in case of a sin x plus b cos x plus c, here constant is extra added. That means here the maximum value to a sin x plus b cos x plus c, and minimum value is minus. Minus root over a square plus b square plus c. Okay, so in this way you have to calculate the maximum and minimum value. So all things are right. That is, we know sine of x plus theta. Whatever may be the value of x, the value of sine x lies in between minus 1 to plus 1. That the sine of x plus theta. Is less than equal to 1 and greater than equal to minus 1. Now multiply r, that is r into, because r is a positive quantity, root over a square plus b square, root is always positive, okay. So root over a square plus b square, sine of x plus theta is less than equal to r and greater than equal to minus r. So r sine x, R into sine of x plus theta means A sine x plus B cos x. And this is A sine x
plus b cos x is less than equal to r. What is r? Root over a square plus b square, and this is the minus root over a square plus b square. Therefore, maximum value is equal to root over a square plus b square, and minimum value is minus root of a square plus b square. Okay. But if we ask for what value of theta it will be maximum, you take r into sine of x plus theta is maximum when sine of x plus theta is maximum, and you know sine theta is maximum if theta is 90 degree, and this is maximum if x plus theta is equal to 90 degree. What is theta? Theta is equal to tan inverse b by a. And it will be minimum x plus theta is equal to minus 90 degree or 270 degree. See, jete bale theta ra value pacharthio, if we ask theta, for which value of theta it is maximum or it is minimum, means main likhyo je this one is r into sine of x plus theta, this is maximum x plus theta is equal to 90 degree, and this is minimum x plus theta is equal to minus 90 degree. Okay. जदि थीटार भेल्ला पचार थियो मीन्स तुम्हें कौन कर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाक आर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस थीटार लिख लिखला थीटाटा तुम कैलकुलेशन कर आदि डायरेक्ट पचार थियो ना ना व्हाट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बोले यू हैव टू कैलकुलेट डायरेक्टली रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इज माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो थीटाटा पचार थियो मीन्स ए फॉर्म रे कन्वर्ट कर तुमको थीटा डिटरमाइन करिबो आमे डिस्कशन करिबा क्वेश्चन. ओके सो दिस आर दी कांसेप्ट ऑफ ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स द मैक्सिमम एंड इट्स मिनिमम वैल्यू. ओके सो बट इन केस ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज मैक्सिमम ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी एंड मिनिमम वैल्यू इज and its minimum value is minimum of a sin x plus b cos x plus c. But maximum value of a sin x plus b cos x plus c jodi r maximum pachach mane yar maximum value la bahar karili c plus dile plus kariyo constant jodi minus dile minus kar debo so this is root of a a square plus b square plus c and minimum value is equal to minus root of her a square plus b square. Yaro minimum means yaro minimum calculation kari c da constant ta add kar do to minus root of her a square plus b square. Okay, this is the formula for maximum and minimum value in term of a sin x plus b cos x or a sin x plus b cos x plus c. Okay. So one thing is remember, a sin x plus b cos x means angle must be unique. Here the angle must be unique. Here also angle must be unique. So ad x hoche mane ad x roya dorkar pile. Jodi ad 2x thiyo ad 3x thiyo, this is not formula applicable. This formula is not applicable. The maximum value is root over a square plus b square. एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मुझे कौन कहली ना ये जो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अच्छी मैंने ये एक्स थी दरकार ये एक्स थी दरकार जदि दुटा को एंगेल जो डिफरेंट हो टू एक्स थी कि एक्स थी बोले फर्मुलाटा एप्लाय से डायरेक्ट पकई पार ना बाईट मनकर थ्री एक्स थी ये फोर एक्स थी दिस इज नॉट मैक्सिमम वैल्यू इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जो जो केस रे एंगल ला डिफरेंट थिबो तो से केस रे तमु यूनिक रे कन्वर्ट करिया पड़ियो दी डागर एंगल सेम रोया दरकार एंगल ला सेम रोइला का फार्मूला एप्लीकेबल होबो अदरवाइज दिस फार्मूला इज नॉट एप्लीकेबल. ओके फॉर एग्जांपल वी विल डू सम क्वेश्चंस फाइंड दी मैक्सिमम and minimum value
ऑफ नंबर वन 24 साइन एक्स माइनस 7 कॉस एक्स. सो क्लियरली दिस एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स. हियर ए इज इक्वल टू 24 एंड बी इज इक्वल टू माइनस 7. तो इट्स मैक्सिमम वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट डायरेक्टली द मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ एर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज रूट ऑफ 24 स्क्वायर 576 एंड बी स्क्वायर मीन्स माइनस 7 स्क्वायर दिस इज 49. सो रूट ऑफ एर 625. सो रूट ऑफ 625 इज इक्वल टू 25 एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू माइनस रूट ऑफ एर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 25. ओके नेक्स्ट नंबर टू मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा. यार इंटू इज देर ना नहीं ये कौन अच्छी मल्टीप्लाइड अच्छी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट एदर एदर साइन. तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इंटू सिंगल टर्म. तो आपको साइन किंबा कॉस रे हमें ट्रांसफर करिया पड़ियो. ये तो कॉस हो पार ना कहीं एंगल टा दीरा सेम अच्छी साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा अच्छी. सो हियर फर्स्ट वी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा बाय 2 ना नहीं. सो इंटू अच्छी बोले तुम ये यार मैक्सिमम इंटू यार मैक्सिमम सेमती के पारियन बाय मिनिमम मीनस यार मिनिमम इंटू यार मिनिमम. सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल. सो इन सच केस फास्ट वी कन्वर्ट इंटू सिंगल टर्म दैट इज. सो 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा 2 साइन ए इंटू कॉस ए दिस इज द साइन 2 ए. सो दिस इज इक्वल टू साइन 6 थीटा बाय 2 एंड यू नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 6 थीटा इक्वल टू 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस 1. सो मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू 1 तो 1 बाय 2 एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू इट्स मिनिमम इज माइनस 1. सो दिस इज माइनस 1 बाय 2 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू आर. ओके सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 1 बाय 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस 1 बाय 2. सो थर्ड नंबर इज 2 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4 एक्स 4 कॉस एक्स व्हिच इज ऑफ द फॉर्म ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी. ओके सो इट्स ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 2. हियर ए इज इक्वल टू 2 b is equal to 4 and c is equal to 2. Okay, a is equal to 3. The coefficient of sin x is equal to a and the coefficient of cos x is b and the constant term is c. So the maximum value root of r a square plus b square plus c because here c is positive. Okay, that's why it's root over a square means 3 rho square 9, b rho square 4 rho square 16 plus c. So root 25 plus c, here c is equal to what? 2. So root 25 means 5, so 5 plus 2 is equal to 7 and minimum value equal to minus रूट ऑफ एर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी. तो माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स दिस माइनस 5 प्लस सी मीन्स 2. सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3. ओके नेक्स्ट वी डू अनदर प्रॉब्लम दैट इज नंबर 4. 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 2 एक्स. ओके सो हियर 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अच्छी बोले देख ये साइन स्क्वायर एक्स अच्छी
प्लस कॉस टू एक्स अच्छे देख दीजा एंगल सेम रहा कि दिस इज नॉट इन द फॉर्म ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी ये कॉन्स्टेंट इज देयर बट दिस वन इज नॉट ऑफ द फॉर्म ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स तो फास्ट तुमको कौन करा पड़ो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स फॉर्म ट्रांसफर करा पड़ो दीटा को साइन और कॉस रे एंगल ला को सेम करा पड़ो सेम हला के तुम से फॉर्मूला यूज कर पारियो तेणु ये साइन स्क्वायर एक्स अच्छे साइन स्क्वायर एक्स रे मल्टीपल एंगल फॉर्मूला पकेबा यू नो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू सो दिस इज इक्वल टू थ्री प्लस वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू एंड दिस वन इज cos 2x okay so this is equal to 3 plus here 1 by 2 minus 1 by 2 cos 2x plus cos 2x okay so 3 plus 1 by 2 this is equal to 3 plus 2 so this is equal to what here 7 3 to the 6 plus 1 7 by 2 minus ओके सो माइनस वन बै टू कॉस कॉस टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स सो दिस इज इक्वल टू माइनस और टू कॉस टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स बै टू सो दिस इज इक्वल टू सेवन बै टू प्लस कॉस टू एक्स बै टू ओके सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू यू नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस टू एक्स इज वन तो मैक्स वैल्यू इक्वल टू वन बाय टू प्लस सेवेन बाय टू तो वन प्लस सेवेन एट बाय टू दिस इज इक्वल टू फोर कहीं ये सिंगल रहा ना सिंगल ट्रांसफर है तो कॉस टू एक्स मैक्सिमम बोले वन बाय टू अच्छी वन बाय टू प्लस सेवेन बाय टू एंड मिनिमम वैल्यू मेन वैल्यू इक्वल टू यार मिनिमम वैल्यू बाहर कर तुम सेवेन बाय टू एड करदेव तो मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस टू एक्स यू नो माइनस वन तो माइनस वन बाय टू के अच्छे तो माइनस वन बै टू प्लस सेवेन बै टू टा कन्स्टाटा एड हो तो कैसे माइनस वन प्लस सेवेन दिस इज सिक्स बै टू तो सिक्स बै टू इज इक्वल टू थ्री तो मैक्सिमम वैल्यू इज फोर एंड मिनिमम वैल्यू इज थ्री ओके नेक्स्ट वी डू अनदर प्रॉब्लम ऑल्सो सो इफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स देन इन सच केस यू कैलकुलेट डायरेक्टली रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट व्हिच इज नॉट ऑफ द फॉर्म देन इन सच केस यू कन्वर्ट ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स ओके देन नंबर फाइव वन प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हियर हाउ कैन यू डिटरमाइन दि इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू सो दिस इज इक्वल टू वन प्लस फोर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स दिस इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स र होल स्क्वायर एंड दिस इज वन प्लस दिस इज द साइन स्क्वायर टू एक्स ओके साइन टू एक्स र स्क्वायर दिस द साइन स्क्वायर टू एक्स एंड यू नो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज वन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज जीरो देख साइन एक्स रैल्यू माइनस वन टू वन भितर रोचे कि साइन स्क्वायर एक्सटा कौन हम जीरो टू वन भितर रक्स बदले टू एक्स रो कि थ्री एक्स रो कि फोर एक्स रो सो साइन स्क्वायर एम एक्स फॉर व्हाट एवर मे बी दि वैल्यू ऑफ एम साइन स्क्वायर एम एक्स वन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज जीरो तो यार मैक्सिमम वैल्यू बाहर करड कर मिनिमम बाहर कला बेले यार मिनिमम बाहर करड कर सो मैक्सिमम वैल्यू मैक्स वैल्यू इक्वल टू वन इट्स मैक्सिमम वैल्यू वन प्लस वन दिस इज टू एंड मिनिमम वैल्यू मीन वैल्यू इक्वल टू इट्स मिनिमम वैल्यू जीरो तो जीरो प्लस वन दिस इज इक्वल टू वन ओके आर यू क्लियर यस ऑल आर क्लियर ओके नेक्स्ट वी गो टू अनदर प्रॉब्लम sixth one is this is cos x or cos x into cos 60 minus x into cos 60 plus x how can you calculate its maximum and minimum value dekho ye tinta trigonometrical function achi multiply re achi so in multiply thibo na nahi tinta thibo mane
तुम्हें ताकू फास्टे सिंगल टर्म में ट्रांसफर करिया पड़ियो सिंगल फॉर्म को तो कौन करियो cos x into cos 60 minus x into cos 60 plus x you know cos a into cos 60 minus a into cos 60 plus a what is its formula 1 by 4 cos 3a this is equal to 1 by 4 cos 3a a means x so this is equal to 1 by 4 into cos 3x its maximum value is 1 into 1 by 4 1 by 4 its minimum value is minus 1 minus 1 into 1 by 4 so minus 1 by 4 so max value 1 by 4 and mean value equal to minus 1 by 4 so in this way you have to calculate okay next calculate the maximum and minimum value with the seventh number 5 cos theta plus 3 into cos of theta plus 5 by 3 plus 3 okay so here how to calculate its maximum value dekho 5 cos theta plus 3 cos theta plus 5 by 3 plus 3 achi so this is not of the form a sin x or a cos theta plus b sin theta no no because here one angle is theta and other angle is theta plus 5 by 3 so two angles are different so first of all we have to convert into standard form that is a sin x plus b cos x means the angle of two trigonometrical function must be unique jetu eida dira agar angle la same nai pile tome direct formula pakai paribo nahi tenu prathame dira agu kon kori unique angle le convert koria padio side theta ach means side theta roya padio na nai em the form transfer koriyo to kon koriyo kahilo this is 5 cos theta plus 3 into and cos a plus b the formula use karo you know cos a plus b equal to cos a cos b minus sin a sin b so this is equal to cos a cos theta into cos b cos 60 degree minus sin a into sin b plus 3 okay so this is equal to 5 cos theta plus 3 into cos theta okay into cos 60 you know cos 60 is equal to 1 by 2 minus 3 into sin 60 sin theta into sin 60 means this is the root 3 by 2 plus 3 okay so this is equal to 5 cos theta 5 cos theta plus 3 by 2 cos theta here minus 3 root 3 by 2 sin theta plus 3 so this is equal to 5 cos theta plus 3 by 2 cos theta so 5 yeah 5 2 is 10 plus 3 kete 13 this is 13 by 2 cos theta minus 3 root 3 by 2 sin theta plus theta which is of the form a cos theta plus b sin theta plus c dekho pila idi angle la same roila to eta ko form hoila a cos theta plus b sin theta here the maximum value here a is equal to 13 by 2 b is equal to minus 3 by root 3 2 and c is equal to 3 so maximum value equal to root of here a square plus b square 13 by 2 square so 13 to square 169 by 4 plus b square means minus 3 root 3 root minus 3 root 3 by 2 square means 3 root square 9 into 3 that 27 so 27 by 4 plus 3 okay so this is equal to this one is equal to add this one so 169 plus 27 this is so this is root of 196 by 4 okay so this one is equal to root of 196 by 4 plus 3 196 means this is the 14 so 14 by 2 so 14 by 2 okay so 14 by 2 because its root is 14 and its root is 2 so 14 by 2 means this is the 7 so this is equal to 7 plus 3 7 plus 3 is equal to 10 maximum value is 10 and minimum value equal to minus root of a square plus b square
तो माइनस रूट ऑफ एर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 196 बाई 4 प्लस 3, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4, सो इट्स मिनिमम वैल्यू इज माइनस 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 10, ओके। तेणु जो फॉर्मूला ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दुईटाक एंगेल जब सेम नथिबो तुम्हें फास्ट ताको दुईटाक एंगेल को सेम कन्वर्ट करिबो, कन्वर्ट कलापर तुम फर्मुला पक बाहर कर। ओके, नेक्स्ट वी डू एनदर प्रॉब्लम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा दि एक्सप्रेशन इज मैक्सिमम और मिनिमम। ओके, सो इफ वी आस्क फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इट विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, इन सच केस यू टू राइट दि एक्सप्रेशन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू आर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा। ए फॉर्मूला लिखला पर तुम थीटा डिटरमाइन करियो वैल्यूटा। देखो वन क्वेश्चन इज फाइंड दि वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा वेयर वेयर साइन थ्री थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा इज मैक्सिमम। Yeah, we ask for what value of theta? It is maximum. Theta ra ko value na bhai eda maximum hobo bole tumhe idi kon kariyo? Dekho answer hoche, we know a sin x plus b cos x is equal to r into sin of x plus theta. Hele eda ko cos lekhile bhi hobo, eda cos lekhile आर इंटु कॉस ऑफ एक्स माइनस थीटा, आर इंटु कॉस ऑफ एक्स माइनस थीटा और आर इंटु साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा एमती लिखले हम कॉस लिखले भी हम। सो साइन एक्स प्लस थीटा जो साइन थ्री थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू आर, इयर आर इज इक्वल टू मीन्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इयर ए इज वन बी इज इक्वल वन, बुझो ना ये साइन थ्री थीटा कोपिशन वन अच्छी कॉस थ्री थीटा कोपिशन वन अच्छी तेनाली आर टा कौन हम रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन प्लस वन दिस द रूट टू, तो रूट टू इंटू साइन ऑफ एक्स, एक्स मीन्स हियर थ्री थीटा, एक्स मीन्स थ्री थीटा, सो थ्री थीटा प्लस थ्री थीटा प्लस एंगल ना। ओके, सो हियर थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, थीटा इज इक्वल टू, सो इन दैट एक्सप्रेशन यू नो इन दैट एक्सप्रेशन थीटा इज इक्वल टू tan inverse theta is equal to tan inverse b by a. So what is b? B is the coefficient of cos and a is the coefficient of sin. So a theta is kon asio na, this is the tan inverse b by a. So b is equal to 1, cos ro coefficient 1, sin ro coefficient 1, so tan inverse 1 by 1, so tan inverse 1 by 1 means 10 inverse 1, 10 inverse 1 is equal to 1, so this is equal to root 2, रूट टू इंटू साइन ऑफ थ्री थीटा प्लस टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन, सो टेन इनवर्स वन मीन्स टेन इनवर्स वन इज एन एंगल। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वन कहल, टेन इनवर्स वन मान टेन रो वैल्यू वन हम, फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ थीटा प्रोवाइडेड वेयर टेन थीटा इज इक्वल वन, नेचुराली इट इज पाई बाई फोर, तेरु ऑल इनवर्स साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स दिज आर एंगल, सो यार वैल्यू मैंने तुम्हें किमी जान एम मन रख, टेन इनवर्स वन मान टेन रो वैल्यू वन हम ना टेन फोर्टी फाइव डिग्री वन अच्छे, तेणु आर आंसर हूँ फोर्टी फाइव डिग्री, सो दिस इज रूट टू इंटु साइन थ्री थीटा प्लस फोर्टी फाइव डिग्री प्लस फोर्टी फाइव डिग्री। सो इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इट्स मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू इट्स इट्स मिनिमम वैल्यू, एंड यू नो साइन थ्री थीटा प्लस फोर्टी फाइव इज मैक्सिमम, थ्री थीटा प्लस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री, इक्वल टू नाइंटी डिग्री, सो थ्री थीटा प्लस फोर्टी फाइव डिग्री इज शुड बी इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री, दैट इम्प्लाइज थ्री थीटा इज इक्वल टू नाइंटी माइनस फोर्टी फाइव, दिस इज अल्सो फोर्टी फाइव, सो थीटा इज इक्वल टू कौन, सो थीटा इज इक्वल टू फिफ्टीन डिग्री। ओके, सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इट विल बी मैक्सिमम मीन्स थीटा इज इक्वल टू फिफ्टीन डिग्री। ओके,
जदि थीटार भैल्यू से पचार थियो मीन्स तुम्हें यहीटा को ए फर्म रे कन्वर्ट करियो। कन्वर्ट कला परे यार मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू यार मैक्सिमम वैल्यू दिस इज मैक्सिमम थ्री थीटा प्लस 45 इक्वल 90 डिग्री। जदि पचार थियो इफ वी आस्क फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ थीटा इट इज मिनिमम एंड यू नो साइन थ्री थीटा प्लस 45 डिग्री इज मिनिमम थ्री थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 270 डिग्री और यू कैन राइट माइनस 90 डिग्री ना ना एमती पक तुम्हें कैलकुलेशन कर। ओके सो दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। किंतु वन थिंग रिमेम्बर दीटा आगर एंगेल टाक तुम्हें सेम कर जदि सेम नथिबो कलापर बा इंटू थी प्लस थी मैंने सिंगल फर्म ट्रांसफर कर सिंगल सैन कि कस ट्रांसफर कलापर से तुम्हें मैक्सीम मिनिमम वैल्यू एज यूजुअल प्रोसेस तुम्हें डिटरमाइन कर। ओके सो इन नेक्स्ट वी डू सम अदर प्रॉब्लम यूजिंग सी डी फर्मुला। ओके तो लास्ट क्लास में आम सी डी फर्मुला डिस्कसन करते कि तार किसी प्रोब्लम आम कर बट इन दिस क्लास वी डू सम अनदर प्रॉब्लम्स using CD formula. Okay, so prove that sin 5a minus sin 3a divided by cos 5a plus cos 3a equal to 10a, first one. Okay, so here how can you prove this one? First we use the CD formula sin c minus sin d, has to take the LHS part. So proof of one, so LHS sin 5a minus sin 3a whole by cos 5a plus cos 3a. You know sin c minus sin d, to sin c minus sin d thiyo bole first cos lekhyo tapre sin na ne d rago plus thiyo mane sin c plus sin d dile first sin tapre cos it minus hoche mane first cos roibo तो 2 cos c plus d by 2 तो 5a plus 3a by 2 into sin c minus d by 2 तो 5a minus 3a by 2. okay, then here use the formula cos c plus cos d, d dago cos ratio 2 cos c plus d by 2 5a plus 3a by 2 into cos c minus d by 2 तो 5a minus 3a by 2. okay, so this is equal to 2 into cos 5a plus 3a, this is the 8a by 2 4a into sin a 5a minus 3a 2a by 2 by 2 into cos 5a plus 3a 8a by 2 4a into cos a into cos a, so 2 to cancel cos 4a cancel, so sin a by cos a is equal to 10a. okay, so in this way you have to prove by using CD formula. Number 2, cos 7a plus cos 5a whole by sin 7a minus sin 5a. okay, here also use this formula cos c plus cos d, these are 2 cos c plus d by 2 7a plus 5a, these are 12a 12a by 2 into cos c minus d 7a minus 5a 2a 2a by 2 2a by 2 by here sin c minus sin d 2 cos first cos rahibo minus thi bole c plus d by 2 7a plus 5a 12a by 2 12a by 2 into cos sorry sin 7a minus 5a, these are 2a 2a by 2 2a by 2, so here 2 to cancel, this is equal to cos 6a into cos a, here cos 6a into sin a, so cos 6a cancel, so cos by sin this is equal to cot a. okay, next we go to another problem sin x, sin x plus sin 3x plus sin 5x
प्लस साइन सेवन एक्स इज इक्वल टू फोर कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू साइन फोर एक्स इंटू साइन फोर एक्स. ओके तो हाउ कैन यू प्रूव दिस वन साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवेन एक्स अच्छी. तो हियर अल्सो यूज दि सी डी फर्मुला. ओके तुम सी डी फर्मुला यूज करा गले आमको साइन सी प्लस साइन डी फर्म रखा पड़ो. अच्छा साइन एक्स साइन थ्री एक्स साइन फाइव एक्स प्लस साइन सेवेन एक्स कौ दीरा फर्मुला मान कौ दीरा टर्म पर यूज कले जमीक फर्मुलाटा पकला तर कमन बाहर कमन जमीक नहीं हम आम से प्रकार करा पड़ो. देख तो साइन एक्स सहित साइन सेवेन एक्स ए दीरा अटैचमेंट कर फर्मुला पकेबा बिकज यू हैव टू टेक ए कमन आउ थ्री एक्स फाइव एक्स सहित ए दीरा अटैचमेंट कर फर्मुला पकेबा मन इच्छा पकड़ नहीं तुम देखा पड़ो क्या सहित कौड़ा अटैचमेंट कले फर्मुला एप्लाय कले जमीक कमन बाहरी हम टेक इट कमन ना ना तेणु कमन बाहर जमी सो सहित अटैचमेंट करा पड़ो. तो वी टेक एल एच एस पार्ट वी टेक दिस वन साइन एक्स प्लस साइन सेवेन एक्स फास्ट लास्ट को अटैचमेंट कले दे साइन थ्री एक्स प्लस साइन फाइव एक्स. ओके कहीं जमी कमन बाहर है अच्छा साइन एक्स प्लस साइन सेवेन एक्स फर्मुला यूज कर दिज आर टू साइन सी प्लस डी बाई टू तो एक्स प्लस सेवेन एक्स केत आसला एट एक्स बै टू तो सेवेन एक्स प्लस सेवेन एक्स द एट एक्स बै टू फोर एक्स है इंटू कॉस एक्स माइनस सेवेन एक्स माइनस सिक्स एक्स बै टू दिज आर माइनस थ्री एक्स प्लस हियर अल्सो यूज दि फर्मुला साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बै टू इंटू कॉस सी माइनस डी बै टू तो टू साइन थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स एट एक्स बै टू ये फोर एक्स है इंटू कॉस थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टू एक्स बै टू तो माइनस एक्स है माइनस एक्स है सो दिस इज इक्वल टू टू साइन फोर एक्स इंटू कॉस थ्री एक्स बिकज कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड टू साइन फोर एक्स इंटू कॉस एक्स. डू यू अंडरस्टैंड. ओके तो आम कौन कले साइन एक्स सहित साइन सेवेन एक्स अटैचमेंट कले साइन थ्री एक्स रु साइन फाइव एक्स अटैचमेंट कले कौन ना जमीक कमन बाहर सेमती कर डायरेक्ट पकेले फर्मुला मन ईच्छा नहीं फर्मुला पकेले हो पार ना. ओके तो देख ये कौन अच्छी टू साइन फोर एक्स अच्छी ना ए टू साइन फोर एक्स अच्छी तो टेक इट कमन टू साइन फोर एक्स कमन है ये कौन रहा कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस एक्स रहा देन यू अगेन यूज दिस सी डी फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी सो दिस इज इक्वल टू टू साइन फोर एक्स इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स बाई टू दिस इज फोर एक्स बाई टू मीन्स टू एक्स इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स बाई टू तो दिस इज इक्वल टू एक्स. ओके सो टू इंटू टू फोर कॉस एक्स इंटू कॉस टू एक्स इंटू साइन फोर एक्स सो दिस इज आर एच एस. ओके सो इन दिस वे यू हैव टू अप्लाई दिस सी डी फर्मुला कॉस टर्म सहित को टर्मटा अटैचमेंट कर तुम फर्मुला पकेब दैट इज इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट प्रूव दैट कॉस एट ए इंटू कॉस फाइव ए माइनस कॉस ट्वेल्व ए इंटू कॉस नाइन ए बाय साइन एट ए इंटू कॉस फाइव ए प्लस कॉस ट्वेल्व ए इंटू साइन नाइन ए सो हाउ कैन यू प्रूव वन सो फास्ट वी टेक दि एल एच एस पार्ट. देख ये कौन अच्छी प्रडक्ट फर्म अच्छी तो कॉस एट ए इंटू कॉस फाइव ए माइनस कॉस ट्वेल्व ए इंटू कॉस नाइन ए यू नो दि फर्मुला टू कॉस ए कॉस बी और टू साइन ए कॉस बी और टू कॉस ए साइन बी. ओके टू साइन ए साइन बी तेणु ये आम प्रडक्ट फर्मुला यूज करिया तो प्रडक्ट फर्मुला यूज करिया गले प्रथम टू मल्टीप्लाई करिया दरकार सो फास्ट वी मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय टू प्रूफ
So we take the LHS part. In LHS, multiplied and divide by 2. Okay. तो प्रथम आम कौन कर 2 मल्टीप्लाई कर 2 डिवाइड कर दवा तो कौन कले हम अच्छा और बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दवा 2 रे और मल्टीप्लाइड नॉट डिवाइड इन सच केस आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड 2 इन न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हला 2 रे मल्टीप्लाई कर दियो मल्टीप्लाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सो दिस इज इक्वल टू ऊपर हमें मल्टीप्लाई करले कौन हो दिस इज द 2 cos 8 a इनटू cos 5 a माइनस 2 cos 12 a इनटू cos 9 a हला आर यू अंडरस्टैंड ये कौन पाई मल्टीप्लाई करले जेतु वी यूज द प्रोडक्ट फार्मूला यूज करिया पाई हमें 2 मल्टीप्लाई करले ओके बाय डिनोमिनेटर मते 2 मल्टीप्लाई करिया तो 2 sin 8 a into cos 5 a प्लस 2 cos 12 a into sin 9 a यू नो व्हाट इज फार्मूला टेल मी 2 cos a cos b cos a plus b प्लस कॉस ए माइनस बी ओके 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी 8 ए प्लस 5 ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस एट ब्राकेट तब एडी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी अगेन यूज द फॉर्मूला 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी cos a plus b 12 a plus 9 a cos a plus b plus cos a minus b 12 a minus 9 a whole by in denominator also you use the formula 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b manasina 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b okay minus 2 cos a sin b means sin a plus b minus sin a minus b aage cos achi sin a plus b minus sin a minus b आगे कॉस थी तापर साइन थी मझे माइनस रही आगे साइन थी तापर कॉस थी मझे प्लस रीटा आग कॉस अच्छी मैंने कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी दीटा आग साइन थी मैंने कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ओके रिमेम्बर दिस फॉर्मूला सो दिस इज इक्वल टू 8 ए प्लस 5 ए 13 ए प्लस कॉस 3 ए ओके तो माइनस 12 प्लस 9 12 प्लस 9 11 माइनस कॉस 11 ए माइनस कॉस का माइनस टा मल्टीप्लाई करियो तो माइनस 12 ए माइनस 9 ए मीन्स 3 ए तो माइनस कॉस 3 ए ये 8 ए प्लस 5 ए 13 ए साइन 13 ए प्लस साइन 3 ए माइनस साइन 11 सॉरी ये 12 प्लस 9 21 है ओके तो साइन 12 प्लस 9 है 21 माइनस साइन 21 है ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस दिस इज इक्वल टू साइन sin a plus b plus sin a minus b so this is equal to here plus is there okay the plus this is the sin 3a so minus sin 3a minus sin 3a so this is the plus sin bolo sidhi plus hoibo okay so it is plus rile kon hochi sin 21a
माइनस साइन 3a, तो प्लस साइन 3a माइनस साइन 3a कैंसल एंड प्लस कॉस 3a माइनस कॉस 3a कैंसल. सो दिस इज कॉस 13a माइनस कॉस 21a, हियर साइन 13a प्लस साइन 21a. देन अगेन यूज द फॉर्मूला कॉस सी प्लस हियर कॉस सी माइनस कॉस डी एंड डिनोमिनेटर साइन सी प्लस साइन डी. सो दिस इज इक्वल टू cos c minus cos d, then you write this one, the cos 13a minus cos 21a by sin 13a plus sin 21a, sin 21, okay. तो किसी टर्म कैंसिल हैला, कैंसिल हैला पर रिमेनिंग जो टर्म रहला, then we write this one. अगेन यूज दि फर्मुला cos e माइनस cos d. सो cos e माइनस cos d मैंने कौन फास्ट है, सो ये डीटा बड़ अच्छी ना, तो डीटा बड़ अच्छी मीनस यू अप्लाई दि फर्मुला टू sin c प्लस d बै टू इंटू sin d माइनस c बै टू. सो दिस इज इक्वल टू sin c प्लस d बै टू 13a प्लस 21a बै टू इंटू sin d minus c by 2, d minus c means 21a minus 13a by 2, whole by sin c plus sin d, this is the 2 sin c plus d by 2, 13a plus 21 by 2 into cos c minus d by 2, c minus d by 2, okay. तो दिस इज इक्वल 13a माइनस 21a बाय 2, ओके. देन सिंप्लीफाई दिस वन, देन सिंप्लीफाई दिस वन, तो 13a प्लस 21, सो दिस इज इक्वल टू 34, दिस इज इक्वल टू 34, ओके. सो दिस इज इक्वल टू 34, 34 by 2 means 17a into sin 21 minus 13, okay. So 21 minus, so this is equal to 20, so this is 8a, sin 8a by 2 means this is equal to sin 4a, okay. So 21 minus 13a, this is 8a by 2 means 4a, sin 4a whole by 2 sin, here 34, 34 by 2, this is the 17a into cos, this is the 13a minus 21, so minus 8a, minus 8a by 2, so this is equal to minus cos 4a. तो ये 2 sin 17, 2 sin 17 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू sin 4a बाय cos ऑफ माइनस 4a, यू नो cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, सो दिस इज इक्वल टू cos 4a, तो sin 4a बाय cos 4a, सो दिस इज इक्वल टू tan 4a, दिस इज tan 4a, ओके. सो इन दिस वे यू हैव टू अप्लाई द सीडी फार्मूला एंड टू प्रो टू प्रूव ऑल दिस थिंग. So in the next class we do some other problem and proof of the compound angle. Okay, ame compound angle lo proof karnathile, ame next class re compound angle proof kichi kar daba, hala jendi ki sin a plus b, cos a plus b, cos a minus b, proof da not necessary, but ame kichi proof koriba in next class. Okay, thank you.